नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं आपके साथ बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां बता दूं कि सीधी जिले में आज एक बड़ी वारदात देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि आज ही सीधी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। जहां बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधी जिले के अंतर्गत चुरहट तहसील अमलकपुर लहिया गांव में आज देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा तोहफा देने के लिए आए हुए हैं। जहां कहा जा रहा है कि गरीबों में आज जमीन का भी कुछ वितरण होगा, जिनके पास गरीबों के पास भूमि नहीं है। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे मामले पर कि आज आखिर में ये बवाल किस मुद्दे पर चल रहा है। बता दूं कि सीधी जिले के अंतर्गत जहां की गाजर ग्राम पंचायत का एक कमलेश पटेल, अमृतलाल पटेल पिता, जो आप लोगों को बता दूं कि कहा जा रहा है कि ये इनके जो बेटे हैं, अमृतलाल पटेल के जो बेटे यानी कि कमलेश पटेल, जो कि उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी, जहां बताया जा रहा है कि ये इनकी लाश मिली है, यानी कि शव मिला है, वो भी उस मंच से लगभग बगल में ही ये शव देखने को मिला। कहा यह भी जा रहा है कि सब को लेकर के बड़ा बवाल है, जहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस और परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश के साथ काफी लाठीचार्ज और लड़ाई झगड़ा देखने को मिल पा रहा है। हालांकि बता दूं कि उनका कहना यह है परिजनों का कि मैं आज शिवराज सिंह से मिलकर ही रहूंगा और दिखाऊंगा कि आखिर में आपकी पुलिस प्रशासन क्या करती है और किस तरीके से अपराध सीधी जिले में पनपता जा रहा और ये जो श्रेणी है वो बढ़ती ही जा रही अपराध की, कितने सारे लोग हैं जो मरते ही जा रहे हैं। वहीं आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से आज ये मामला देखा जा रहा है, जहां मंच के करीब पहुंचते ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जो लगातार मंच के करीब, जहां शिवराज सिंह के करीब पहुंचने ही वाले थे कि कई पुलिस वाले एक साथ धावा बोल देते हैं। जहां देखा यह जा रहा है कि वहां पर जो परिजन है उनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट में काफी शोर शराबा होता है। अभी भी देखा जा रहा है कि वहां पर शव रखा हुआ है, जहां मंच से लगभग करीब में ही, बताता चलूं कि वहां परिजनों से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। जहां कहा यह जा रहा है कि परिजनों के द्वारा मुझे पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर में अभी तक वहां पर क्या हो रहा है, सारी जानकारी लेंगे हम अंबिकेश सिंह उकरहा, जो कि अंबिकेश सिंह से जानने का प्रयास करेंगे। अंबिकेश जी बताएं क्या हो रहा है वहां पे। जी मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मृतक हैं कमलेश पटेल जो हैं, ये कब से गायब हुए थे और कैसे इनकी मौत हो गई? ये क्या था कि वहाँ पहले रहते थे आपके निगरी निवास के पास, ये निगरी नहीं सर, यहाँ पे क्या नाम से जहाँ पे कुपा है, माड़ा है जी, माड़ा के आसपास कहीं है, उनके गांव के वो पुली है, क्या नाम से गैस एजेंसी जी, तो वहीं पे काम करते थे। कल उधर ही से आए तो ससुराल चले गए, उनके अपने ससुराल आए गए थे। अच्छा, ससुराल उनका कहाँ है, किस गाँव में उनका ससुराल है? तो इनका ससुराल है मधुआव गाँव में। अच्छा, यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो अब तक आप लोगों के द्वारा जहाँ पर शव पाया गया वो कौन सा ग्राम पंचायत है जहाँ आपने शव पाया है जी? लाश कहाँ पर मिली है? लाश वही मधुगांव के पास नहर के पास में मिली है जी। अंबिकेश जी ये बताएं कि ये कैसे आशंका जताई जा रही है कि ये मारपीट हुआ है, इनका इनके साथ क्या क्या हुआ, ऐसा क्यों आशंका जताई जा रही की हत्या हुई है? जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि आखिर में ये हत्या की आशंका क्यों जताई जा रही है? क्या सर? हत्या की आशंका कैसे जताई जा रही है? आशंका जताई जा रही है ये मर्डर की सर, इसलिए वहाँ पे गाड़ी के नहर के पास खड़ी है, उसका वाइजर टूटा है, गाड़ी स्टैंड में खड़ी है, नहर में लाश मिली है इनकी। क्या ये घर से गायब थे? घर नहीं आए थे सर, वही कहीं नौकरी करते थे माड़ा में जी, तो वहाँ से आए तो ससुराल चले गए हैं, ससुराल से घर ही नहीं आ पाए हैं जी। जी जी, फिर वहाँ के कुछ परिजन लोग देखे तो फोन किए, तो फिर ऐसी जानकारी हम लोगों को भी मिली, रिलेशन वालों को भी जी। जी जी, अंबिकेश जी अभी क्या मामला है, क्या चाह रहे हैं परिजन, क्या चाह रहे हैं? तो चल रहा है कि बोल रहे हैं कि होगी कार्रवाई, अभी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, पुलिस वाले तो बोलते हैं कि एम्बुलेंस में ले जाओ, वहाँ पे अभी समय चल रहा है, सत्येंदु तिवारी का भाषण चल रहा है वहाँ पे। मैं जानना चाहूंगा आपसे क्या पुलिस के द्वारा कोई मारपीट कुछ बिल्कुल की गई है,
मारपीट की गई है उनके यहाँ पे बहुत है। आप देखेंगे तो जर्सी कराने लायक है, यहाँ पे 200 लाठियों का चार्ज हुआ है। अच्छा, कई कई पुलिस वालों ने मिलके मारा आपको? जी, कई पुलिस वालों के द्वारा मारपीट की गई या कोई? कई पुलिस वालों के द्वारा मारपीट गई, बहुत यहाँ उग्र एकदम वहाँ दौड़ा दौड़ा के मारा गया है सर। एक बार तो यहाँ पब्लिक सब भाग चुकी थी सर। अच्छा, परिजनों की मांग क्या है जानने का प्रयास करेंगे? परिजन की मांग है कि ऐसा उचित सही कार्रवाई होनी चाहिए, मर्डर है तो मर्डर का वो होना चाहिए, सही निरीक्षण होना चाहिए। आप ये बताइए कि यहीं पे 10-10 किलोमीटर पे पुलिस लगी है आज के रात में, वहाँ कैसे के मर्डर हो गए, सबसे बड़ी बात तो ये है सर। बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ तक कि उनके माता जी का भी आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से माता जो है तो रो रही हैं। कहना चाहूंगा कि अब तक लगभग क्या आप लोग जो है तो सबको उठा के संस्कार करेंगे या बाकी में धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? अभी तो हम लोगों को जारी, हमको तो लग रहा है कि शिवराज सिंह जी आए मिले, उसके बाद ही जो कुछ होगा तो होगा। अच्छा, मंच से कितनी दूर पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल जारी है सर। नहीं, जानना चाह रहा हूँ कि मंच से कितने दूर पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है? धरना प्रदर्शन जारी है। कितनी दूर पर हैं आप लोग? कम से कम 250 पब्लिक है जी। 250 पब्लिक है जी। अरे पूरे मान के चलिए समस्त 10 गांव इकट्ठा हो गया है जी। बिल्कुल जी जी। यहाँ पे जो आ रहे तो सभी रिलेटिव वाले तो हैं भैया यहाँ पे सब। अभी पुलिस वाले भगा रहे हैं अपने तरफ से, वहाँ इकट्ठा नहीं होने देते हैं। क्या कोई भी निवेदक अभी कोई ऐसा जो कि शिवराज सिंह तक पहुंचने का प्रयास किया या आपकी कोई विधायक से बात हुई या वहीं पर विधायक है तो क्या पहुंचे आप तक? विधायक माननीय श्री रीति पाठक जी और कई एक विधायक यहाँ से गुजरे, लेकिन कोई वहाँ पे नहीं आया कि हाँ शांति बनाओ, हम ऐसा उचित कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या होगा कैसे होगा, किसी ने अभी तक ये बात नहीं की है। अब तक किसी भी तरीके से कोई बात सामने नहीं आई? अभी तक किसी ने कुछ भी बात नहीं की है, सीधे लाठी चार्ज हुआ था बस हो गया। तो आप चाह रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो? जी जी जी। तो सब धरकर धरना प्रदर्शन ही करेंगे या आप लोग जो है तो अपने घर जाएंगे? अभी तो घर कोई जाने वाला नहीं, अभी सब यहाँ पे इकट्ठा है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिवराज सिंह जी आए, यथाउचित कार्रवाई, उनके दो लड़के हैं तो उनको कुछ राशि जो भी हो तो यथाउचित तो उनके जीवन के लिए किया जाए, इसलिए कमाने वाला उनके कोई नहीं है, बच्ची है, बच्चा है उनके। वो शादीशुदा थे, मतलब बच्चे भी हैं उनके पास? जी जी जी। अंबिकेश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, ये धरना प्रदर्शन जारी है। परिजनों का कहना यही है कि जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए जिसने भी ये अपराध किया है। उस अपराधी को अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो धरना प्रदर्शन जारी होगा। वहीं इनका कहना यह भी है कि वहीं से विधायक गुजर रहे हैं, वहीं से सांसद गुजर रही, वहीं पर पूरा SP DSP पूरा पुलिस फोर्स जो है वहीं पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा। यहां तक कि स्वातना तक देने के लिए कोई विधायक नहीं पहुंच रहा। कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि यह विकास यात्रा नहीं, जो यह लाश यात्रा निकल रही है, इसका साथ कोई देने वाला नहीं है। यहां तक कि बता दूं कि एक तरफ भाजपा सरकार दावा करती है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन आज सरेआम उसकी नजरों के सामने गलत हो रहा है और गलत होता ही जा रहा। यहां तक कि गांतान भी चालू है। देखा जा रहा है कि एक तरफ तुमामा के आने पर गांतान चालू है, लेकिन दूसरी तरफ जान जा रही है, देखने को यही मिल पा रहा। यह मामा का बिल्डोजर भी चलता है अपराधों के ऊपर, यहां तक कि अपराधियों के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि आज क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप, सरेआम देखा जा रहा है कि एक तरफ मंच, दूसरी तरफ लाश, और लगातार सिर्फ अगर कुछ चल रहा है तो गांतान और भाषण चल रहा जहां देखने को मिल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जाएगी, क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? यह सीधी पूरी पूछती है कि वाकई में इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल इसी चीज का है कि आज इनके साथ क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि पुलिस किस तरीके से इन्हें दौड़ा दौड़ा कर इन्हें मार रही है, इनके परिजनों को मार रही है, कंट्रोल करने की प्रयास कर रही है। लगातार बने रहे आप तक न्यूज़ न्यूज़ से, और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ, वाकई में क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मार रहे हैं, यहाँ पे लाठी चार्ज भी होने हो रहा है, पुलिस वाले डॉक्टर को टीका दे रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पुलिस वाले मार रहे हैं महिला। न्याय दीजिए, यही पुलिस वाले हैं जो आ रहे हैं।
करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सभी के वर्दी में बैच नहीं है ना नंबर प्लेट का, आप देख रहे हैं। देख रहे हो एक तरफ यहाँ पे लाश पड़ी है और एक तरफ शिवराज जी का मल्यार्पण हो रहा है, एक तरफ मल्यार्पण हो रहा है शिवराज सिंह का, एक तरफ यहाँ पे बॉडी पड़ी है। ये परिवार यहाँ पे भी खलता रो रहा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे।